भाई हो गया तराक्ष बिल्कुल रेडी, टाइगर बन गया है। ये देखो कैसे लग रहा है, ये अब स्कूल जाएगा ये टाइगर बन के। जल्दी रेडी हो जाओ तराक्ष, फटाफट से फास्ट। तो भाई संजाली का कह रही है कि इसको आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए। ये देखो मस्टैंग रखी है। फाइनली आ गया हमारे घर में पांडा 500। भाई क्यों मारी जा रहे हो, क्यों मारी जा रहे हो? पहले सिंचन को मार रहे थे, अब इसे मारे जा रहे हो। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज भाई तराक्ष को स्कूल से लेने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, और उसको स्कूल से लेने के बाद हमें एक काम है, उसको बनाना है कोई एनिमल, तो उसके लिए एनिमल वाली ड्रेस खरीदनी है। अब वो एनिमल वाली ड्रेस पता नहीं कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए भी जाना है। आ जा यार, इतने दिन से तो बताया नहीं इसने ड्रेस लेनी है। अब कल उसको पहन के जाने, तो आज बता रही ड्रेस लेनी है। अब कैसे लेंगे ड्रेस, एकदम थोड़ी ना मिलता है। अब मैं इसे कुछ कहूंगा तो मेरे से लड़ने लगेगी। देख हंसती आ रही है। हाँ बोल, देख हंसती आ रही है। हाँ बोलना। अब भाई पहले बताना चाहिए ना, ताला लगा के ड्रेस चाहिए। अभी बता रही व्लॉग के अंदर कि उसको मंडे को चाहिए। अभी जस्ट मैंने चेक करा है, मंडे को चाहिए। कल तो उसे एक्सकर्शन पे जाना है। ए यार मंडे को चाहिए, इन्हें हल्ले मचा रखे हैं। अभी चाहिए। कल छुट्टी है फिर उसकी, तो कल वो हमारे साथ वॉच लेने जाएगा। अब ड्रेस लेने चलना है, अभी नहीं चलना। चलो भाई ड्रेस ले ला देते हैं उसको, पहले पहननी मंडे को है। तो भाई संजाली का कह रही है कि इसको आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए। अच्छा, क्या करेगी 16 प्रो मैक्स का? कर दो यार, ये बहुत पुराना हो गया है। कितना पुराना हो गया? 11 महीने। ये फंस गया सी है। वारंटी में भी ये 11 महीने पुराना है इसका फोन। अभी मैंने कल ही देखा वारंटी में। इस बार मैं सोच रही हूँ बड़े वाला फोन प्रो मैक्स, उसका तो साइज और भी बड़ा है ना, लगेगा हाथ में टैब लेके चल रही हूँ। टैब ही दिला देते हैं फिर तेरे को। सैमसंग वाला टैब दिला दूं तेरे को? सैमसंग वाला फ्लिप वाला भी तो पसंद है। चल आईफोन के 5, एक दिन दो दिन सुन, नए आईफोन के 5 फीचर बता दे, मैं तेरे को दिलवा दूंगा। बता 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 जल्दी बता। एक तो कॉल रिकॉर्डिंग वाला है, वो इसमें भी आ जाएगा, हमारे वाले में भी अपडेट होके आ जाएगा। और एक वो इसमें भी आ जाएगा। और एक इसका कैमरा बटन यहाँ पे है। एक चीज नहीं आई है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जूम इन जूम आउट हो जाता है। ठीक है और बता। और इसमें एक और चीज थी कि तीनों कैमरे का जो मेगापिक्सल है वो इक्वल आया है। कितना इक्वल वाला है? इक्वल कितना है? 5 वाला कैमरा जो हम ओपन करते थे उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी। हाँ। तो अब वो नॉर्मल कैमरे के इक्वली कर दिया। अच्छा ठीक है, समझ गया। भाई इसे ना पता कुछ, ये भी 2 चीजें इसे मैंने बताई थी। ठीक है, 5 चीजें से कुछ नहीं पता, मतलब नए आईफोन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि लिया जाए, तो इसलिए हम नहीं लेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव बजट। बजट इशू है गाइस, तो नहीं लेंगे। तराक्ष के स्कूल पहुंच गए, तराक्ष को ले उसकी ड्रेस भी दिलवानी है, वो ड्रेस में भी खर्चा होना अभी। ठीक है, अगले साल लेंगे 17 प्रो। अगर कोई गिफ्ट करना चाहता है तो भाई कमेंट कर देना, गिफ्ट ऑलवेज एक्सेप्टेबल। भाई स्वीटी ना शक्ल बना के गई है कि आईफोन के लिए मना कर दिया 16 प्रो के लिए, बट सच में इस बार ना बजट नहीं है, यूट्यूब इतना खास कुछ चल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार नहीं लेंगे 16 प्रो। बाकी देखते हैं रेट वेट कुछ कम हो गया, कोई डिस्काउंट आ गए, या हमारा ये जो फोन है ये किसी ने परचेज कर लिया ठीक रेट में, तो फिर एक अलग बात है, वरना अभी के लिए तो मेरी तरफ से तो ना है 16 प्रो। वॉच जरूर लेनी है, जिसके लिए मैं कल जाऊंगा वॉच लेने के लिए। आ गया बंदर, बंदर अंदर। यही तो है मंकी, दिखा दो पापा को लगा के। ये को डर गया मैं तो। आज अक्षर स्कूल से मंकी बंदर बना के लाया है। तराक्ष इसमें आपने क्या पेस्ट करा है? आईज तो है ही नहीं। भाई ड्रेस लेने के लिए आ गए हैं। टाइगर वाली कह रहा है, ये तो टाइगर वाली ड्रेस चाहिए, बट हमें लग रहा है टाइगर वाली तो सभी पहन के आएंगे इसके स्कूल में, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। रैबिट, एलिफेंट, डियर, तो फाइनली हमने 2-3 मंगवाई है जो सही लगेगी वो इसको पहना देंगे। क्या बन के जाओगे स्कूल में? तो बहुत सारे टाइगर। चीता बन जाओ, चीता टाइगर ही बनोगे। ठीक है, बहुत सारी ड्रेस आ गई है। ड्रेस आई है तराक्ष की, आ जाएगी? हाँ आ जाएगी, आ जाएगी। वो फेस की वजह से लग रही है ऐसी। बना दे, अभी बना दे। फाइनली टाइगर वाली बाय कर रहे हैं हम। रेंट 400 रुपए और पाए हैं 650। अच्छा, तो जो टाइगर वाली ड्रेस है वो 650 रुपए की दी है खरीदने के लिए। हमने खरीद ली, रेंट पे भी ले सकते थे बट हमने खरीद लिया ना तराक्ष, तो नई ड्रेस ले ली हमने इसके लिए। अब ये बनेगा, क्या बनेगा? अब तू टाइगर, शक्ल तो छुने वाली है। तो अब तराक्ष को ड्रेस पहना के देख रहे हैं कि इसको वो ड्रेस कैसी लगेगी, और ये रोए जा रहा है। मतलब रो क्यों रहा है तू? इसलिए किस लिए रो क्यों रहा है? नमकीन खाली इसलिए रो रहा है। ड्रेस पहनाओ अब इसको, कैसी लगेगी ड्रेस? तो भाई देख लो, ड्रेस इसने काफी हद तक पहन ली है। जल्दी रेडी हो जाओ तराक्ष, फटाफट से फास्ट। भाई हो गया तराक्ष बिल्कुल रेडी, टाइगर बन गया है। ये देखो कैसे लग रहा है, ये अब स्कूल जाएगा टाइगर बन के। वो सबको डराएगा, मोटू को डरा पहले, मोटू को इसकी एक वीडियो बना देंगे। डराने सबको डरा रहा है, आराम से डराओ, आराम से। ओह डर गए सारे के सारे। ओ भाई साहब डरो ना। कह रहा है डरो ना, मेरे को तो डरा
भाई ये देखो मैंने एक्वेरियम के लिए ना एक्वेरियम पूरा हमने चेंज कर दिया अपना, ये देखो पूरा एक्वेरियम चेंज कर दिया। और एक्वेरियम के लिए कुछ वो मंगवाई थी हमने, क्या बोलते हैं जलपरी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, किसी को पता हो इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो बता देना। और ये जलपरी ना इसके अंदर डालेंगे, अब अच्छी लग रही थी बट बहुत छोटी लग रही है साइज में, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ी बड़ी होंगी बट बहुत ज्यादा छोटी आई है साइज में। तो चलो कोई बात नहीं, डालते हैं इनको एक्वेरियम के अंदर। तो एक्वेरियम में ये बैठ चुकी है दोनों की दोनों, जलपरी बड़ी मुश्किल से बिठाई है क्योंकि ये सीधी नहीं हो रही थी। तो भाई एक्वेरियम में हाथ डालना ठीक नहीं है क्योंकि वो फिशेस के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है। लक्ष्य मैंने एक्वेरियम में एक नई चीज डाली है, आ जाओ देख के आओ, बताओ कैसी लग रही है, देख के आओ जाओ आके बताना कैसी लग रही है। चलो चलते हैं लक्ष्य के साथ ही, कैसी लग रही है? तो ज्यादा छोटी है, छोटी तो है बट बढ़िया लग रही है, पहले से बहुत अच्छी लग रही है ना, पहले से सही लग रहा है एक्वेरियम भी, पूरा एक्वेरियम चेंज हो गया। हाँ पहले ज्यादा भरा भरा हो रखा था, फिशेस को भी जगह मिल रही है घूमने की, तो बढ़िया लग रहा है एक्वेरियम हमारा एक नंबर। चलो भाई अब एडिट पे बैठते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद वापस व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, भूख भी लग रही है, बहुत तेज खाना बन रहा है। हो गया ये वाला व्लॉग एडिट, हो गया पूरा, हो गया म्यूजिक भी लग गया, हॉरर वाला लगना है, वो तो एक वही म्यूजिक डाल देना है ना। चलो भाई एडिट करते हैं शुरू। ए फ्यू मिनट्स लेटर, खिचड़ी बनी है लेकिन इसका रंग ही अच्छा नहीं लग रहा देख के मेरे को, तो पानी पानी अलग अलग रखा है क्या, कैसी खिचड़ी बनी है आज, पानी अलग है, सब्जियां अलग है, पता नहीं क्या बनाई है, गंदी से लग रही है मेरे को तो देख के ही। तो यहाँ हमारे साथ कुछ पंगा हो गया था, हमारी आवाज़ ही आनी बंद हो गई थी वीडियो में, तो एक्चुअली व्लॉग में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी टायर की हवा कम हो गई, गाड़ी में पंचर हो गया था तो हमें पंचर भी लगवाना था, तो मैं और लक्ष्य निकल गए थे पंचर लगवाने के लिए। तो टायर की हवा देख सकते हो, टायर की हवा बहुत ज़्यादा कम दिखा रहा था, तो मैंने चेक करा, मुझे चेक करना भी ठीक से नहीं आता था बट फाइनली मैंने इसको जैसे तैसे सर्च करके चेक करा कहाँ से हवा चेक होती है, तो जब हवा चेक करी तो हवा बहुत ज़्यादा कम दिखा रही थी, तो आप भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा हवा कम हो गई थी। हवा होनी चाहिए 30 लेकिन यहाँ मेरे को हवा दिखा रहा था सिर्फ और सिर्फ 20 जो बहुत कम है। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई पहले इसका पंचर लगवा लेते हैं। अभी तक काफ़ी दिनों से क्या था कि मैं ना हवा भरवा के काम चला ले रहा था, लेकिन अब डिसाइड किया कि पंचर लगवा लेंगे, गाड़ी में शूट का भी बहुत सारा सामान था क्योंकि शूट भी करना था। तो पंचर वाले के पास हम पहुंच गए थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे बोल्ट ही नहीं खुले टायर के, इसने काफ़ी ट्राई करा, इसने बोला कहीं और जाओ, तो अब हम दूसरी जगह निकल गए कि दूसरे वाले बंदे के पास चलते हैं, किसी दूसरे पंचर वाले के पास चलते हैं, वो शायद हमारा टायर पंचर जो है वो ठीक कर देगा। लेकिन किसी से भी हमारी गाड़ी का टायर नहीं खुला, पता नहीं इसमें क्या हो गया था। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि हम चलते हैं रोलिंग व्हील्स पे, तो मैंने सुरेश भैया को कॉल करा, उन्होंने बोला आ जाओ एनी टाइम यू कैन कम और मैं कर दूंगा, आ जाओ। तो हम पहुंच गए भाई, पहुंच गए फाइनली रोलिंग व्हील्स पे और कहीं भी नहीं खुला, या तो खुल जाएगा जरूर भाई। अब ये देखो मस्टैंग रखी है, किसकी है पता नहीं। चलो भाई अब टायर चेक करवाने जा रहे हैं, पंचर है उसको खुलवाना है, यही हमारी एक्सयूवी। हाँ उधर वाला है। फाइनली भाई कूलिंग व्हील्स पे आ गया, अब यहीं पे काम होगा जो होना है, वहाँ तो कुछ हुआ नहीं, वो तो खुला ही नहीं, किसी से खुला नहीं, अभी मशीन से खोलेंगे शायद, देखो कैसे क्या होगा, बताते हैं व्लॉग में। आज भाई यही टूट गया और पेच नहीं खुला, पता नहीं भाई क्या सीन हो रहा है, निकाल लो भाई ढंग से। ले भाई भाई क्या हो रहा है हमारे साथ आज, हमारा दिन ही खराब आज पूरा मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ है, ये नहीं खुल रहा कहीं से भी, भैया ने ट्राई कर लिया, ये लग नहीं रहा मेरे को खुलेगा, एक एक पेज खुला बस इसका, और खुलते हुए दिख नहीं रहा मेरे को भाई। ये चीज तो बढ़िया मस्टैंग इनको चलाने को मिल रही है यार, लगवा दूं नौकरी पे। कैसे हो भैया? भैया वही टूट गया लेकिन पेज ही नहीं खुला, जो लगा के खोलते हैं टूट गया। हाँ बच्चे टूट गई, कोई टेंशन नहीं, पेज खुल गया नहीं खुला, नहीं खुला, गन मार लेना बेटा। तो भाई अभी रोलिंग व्हील्स पहले काफी बड़ा था लेकिन भगवान की कृपा से अब और अच्छा और बड़ा हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे भी टाइम पे तो डिलीवरी हो जाती थी गाड़ियों की लेकिन अब और बढ़िया हो गया है, तो मुबारक हो भैया, कांग्रेचुलेशंस बहुत बहुत। फाइनली कड़ी मशक्कत के बाद टायर खुल गया है और सारी टायर हमने खुलवा दिए और अब पंचर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था सारी फैसिलिटीज भैया के पास अवेलेबल है A to Z, तो अब जा रहे हैं टायर पंचर के लिए खुल के। फाइनली टायर आ गया हमारा, ये देखो अभी ये लगेगा इसमें जल्दी से, भैया बस जल्दी लगा दो 2 मिनट में। तो भाई मशीन से कर दिए टाइट सारे के सारे पेच, धड़ 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 धड़, ये मशीन थी वो। तो हमने भैया को थैंक यू बोला क्योंकि गाड़ी भैया ने बहुत जल्दी ठीक कर दिया जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रही थी। तो अब चलते हैं आगे घर की तरफ। A few minutes later. भाई निकले थे घर से छोटा सा शूट कराने के लिए लेकिन पंचर और पंचर का टायर निकल और फिर इतना टाइम, भाई शाम के 6:30-7:30 हो गया घर पहुंचने में, सिर्फ काम किया था पंचर और निकले कितने बजे थे 3:30 हालत खराब हो गई। हाँ लक्ष्य 3 बजे निकले थे पंचर लगवा के, कितने बजे आए हो? 7 बजे 6 बज गए ना 6:30 बहुत बढ़िया, इसको टाइम ही नहीं होता, 6:30 हो रहा है और मुझे तो लग रही है बहुत तेज भूख। स्वीटी कुछ है खाने का? मैं भी पूछ रही थी तुमसे यार, फिर वो डिनर का टाइम जाएगा, डिनर का टाइम तो हो ही गया पर वो आई नहीं खाने वाली दीदी, क्या बनवाएगी खाने का? काले चने तो भी रखे वही बना लेंगे, पूरी 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 इसकी पूरी बनवाओ, क्या खाएगा? पूरी इसे भी पूरी पसंद है और उसे भी।
ये देखो मोटू आ गया भाई, मोटे 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 ब्लॉग बनते ही मोटू चढ़ जाता है। बंदे ने अब लंच करा भाई 3 बजे, खाना नहीं खाया था इसने। इसे भी लगा 5-10 मिनट में तो वापस आ जाएंगे लक्ष्य। तीन घंटे कम से कम लग गए थे हमें। 3 घंटे लग गए ना कम से कम, आते पहले खाना खाया, मेरे को लगा भाई अभी आ जाएंगे 5-10 मिनट में। अरे तो मेरे को बता देते वहाँ भूख लग रही, कुछ तो खा ही लेते सड़क में से, कहीं ना कुछ तो मिलता। ये आ गया खेलने के लिए टॉय लगे। 1 2 3